गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम कौन सी वर्कशीट कर रहे हैं? सेवंथ वर्कशीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए। राइट पोयम इन फोर लाइन्स। चार लाइन में आपको पोयम लिखनी है। टू पोयम आपको गिवन है। ठीक है, इनमें से जो भी आपको अच्छी लगे या जल्दी याद हो वो आपको याद करना है या लिखना है। ठीक है, फर्स्ट वाली पोयम क्या है? अ चाइल्ड्स इवनिंग प्रेयर। ठीक है, बच्चा इवनिंग के टाइम सो द टाइम टू प्रेयर करता है बोर्ड से, उसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, क्या है? इरे ऑन माय बैक माय लिम्स आई ले, गॉड ग्रांट्स मी ग्रेस माय प्रेयर टू से। मींस बच्ची है जो है क्या प्रेयर करती है बेड पे जाने से पहले, उसकी गॉड प्रे जो भी कर रही है वो सुने। और गॉड प्रिजर्व माय मदर डियर एंड स्ट्रेंथन हेल्थ फॉर मैनी इयर्स। ठीक है, मैनी इयर्स। तो क्या प्रे करती है कि गॉड आप मेरी माँ को हमेशा स्ट्रेंथ मतलब ताकत देना एंड हेल्थी रखना उनको। ठीक है, ये उसकी फेयर प्रे है। पहले भी हमने एक्सप्लेन की थी इसे। ठीक है, एक ही पोयम है, एक उन्हें लिखा रही हूँ आपको। देखिए सेकंड वाली पोयम। देखिए बेटा ये हमारी सेकंड पोयम है, हैप्पी मदर्स डे। ठीक है, मदर्स डे पे लिखी हुई है। अ मदर इज वन हु अंडरस्टैंड द थिंग्स यू से एंड डू हु ऑलवेज ओवरलुक्स। एक मदर है, एक माँ है हमारी, जो हमारी सारी बातें समझती है एंड हमारी जो भी हम सोचते हैं करते हैं वो सभी सारी चीज़ें देखती है और हमें समझाती है ना। ये मदर्स डे के ऊपर पोएम है आपकी। ठीक है, इजी है, याद कर लेना इसको। ठीक है, ये वर्कशीट आपको ग्रुप में भी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।